हेलो गाइस, काय हियर एंड वेलकम टू मनी एम्फनी। आज हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका के न्यू प्रेसिडेंट जो बिडेन के बुक जो बिडेन अ लाइफ ऑफ ट्रायल एंड रिडेम्पशन के बारे में। इस वीडियो में आप जानेंगे उनके चार बिजनेस लेसन्स, उनकी मुश्किलों से भरी जिंदगी, उनके प्रेसिडेंट बनने तक का सफ़र और कुछ ऐसी स्टोरीज जो हमने इस बुक से पिक की है। तो शुरू करते हैं इस रोमांचक जर्नी को। कैसे जो बिडेन ने हकलाने को हरा दिया, कौन सा आइडिया उन्होंने यूज़ किया। शुरुआत करते हैं उनके बचपन से जो कि स्क्रैंटन पेंसिल्वेनिया में बीता। आपको जान के हैरानी होगी कि जो बिडेन आज इतने कॉन्फिडेंस के साथ स्पीच देते हैं। बचपन में उनकी लड़ाई स्टैमरिंग से यानी कि हकलाने से थी। स्क्रैंटन में शुरुआती सालों में जो के अच्छे दोस्तों ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया और ना ही कभी उनका मजाक उड़ाया, पर स्कूल में ऐसा नहीं था। बेल और उनके अच्छे दोस्तों ने बताया, सेंट पॉल स्कूल में पढ़ाने वाली एक टीचर नन ने उनका नाम बाय बाय ब्लैकबर्ड रखा हुआ था, क्योंकि जब भी वो अपना नाम लेते थे वो हकलाने की वजह से कुछ ऐसा साउंड करता था। जो बिडेन किसी न किसी कारण से ऐसी चीज़ों से सफ़र करते थे। हकलाना जो कि उन पर हावी हो रहा था जब वो अनजान सिचुएशंस में या दबाव में आते थे। स्कूल में सिस्टर ने उन्हें इससे निपटने या उन सिचुएशन से बचने में मदद करने की कोशिश की। उनके माता पिता ने भी उन्हें एक स्पीच थेरेपिस्ट के पास भेजा, लेकिन उससे भी कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। ये उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती थी क्योंकि उन्होंने अपने उस टाइम को अपने मेजर इंटरेस्ट में लगाया हुआ था, स्पेशली खेल में जिसमें वर्बल एक्सप्रेशन ज़्यादा मायने नहीं रखते और जिसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्म करके अपने फ्रेंड सर्कल को इन्फ्लुएंस किया हुआ था। पब्लिक स्पीकिंग जो कि एक नॉर्मल ज़रूरत थी, लेकिन जो को नज़रअंदाज कर दिया जाता था उनके हकलाने के कारण। लेकिन उन्हें उनके क्लासमेट्स द्वारा बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जाता था। वो जो को जो इम्पेडिमेंटा बुलाते थे। इम्पेडिमेंटा का मतलब होता है रोकने वाला या ऑब्स्ट्रक्टर। ये वर्ड उनके दिन में दो बार लगने वाली लैटिन क्लासेस से लिया गया है। और या तो वो उन्हें डैश बुलाते थे, उनके चलने की स्पीड की वजह से नहीं, बल्कि उनके हकलाना उनके दोस्तों को मॉर्स कोड की याद दिलाता था, जो कि कुछ ऐसा होता है डॉट डॉट डैश डैश। अंत में उन्होंने सोचा, मेरे स्टैमरिंग से मुझे और मजबूती मिली और मैं आशा करता हूँ एक बेहतर इंसान भी बनूँ। घर पर मिरर के सामने लंबे लंबे पैसेज की प्रैक्टिस कर और अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को देख उन्होंने शाम को स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना शुरू कर दिया और क्लासेस लेना शुरू कर दिया। इससे उन्हें हकलाने को कम करने में मदद मिली और आखिरकार उन्होंने हकलाने पर काबू पा लिया। '1960 के स्प्रिंग सीजन में मैसाचुसेट के जॉन एफ कैनेडी नामक एक अन्य युवक, आयरिश कैथोलिक, वेस्ट वर्जीनिया प्राइमरी में डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंटल पद का पीछा कर रहे थे। जो बिडेन अपने फ्यूचर के बारे में लाइब्रेरी में बैठे सोच रहे थे। उन्होंने सीरियसनेस से इस तरह ही बुलंद एम्बिशंस को अट्रैक्ट नहीं किया, लेकिन व्हाइट हाउस में पहली कैथोलिक की धारणा ने उन्हें एक्साइटेड कर दिया और एक दिन पॉलिटिक्स में एंटर करने की पॉसिबिलिटीज पर अपना ध्यान दिया। बाद में कैनेडी का सब डिवीजन भाषण सार्वजनिक सेवाओं पर ज्यादा जोर देने लगा, उन आदेशों के साथ जो कि बचपन से कैथोलिक स्कूल्स में सिखाए जाते थे और घर पर माता पिता के एग्जाम्पल्स और प्रीचिंग द्वारा सिखाए गए थे। लेकिन उस समय जो का वजन केवल 140 पाउंड था और राजनीति अधिक उचित विकल्प लग रहा था, इसलिए उन्होंने यह देखना शुरू कर दिया कि एक युवा साथी कैसे शुरुआत कर सकता है, खासकर अगर उनके फैमिली कनेक्शंस और धन की कमी हो। उन्हें आर्कमेरे लाइब्रेरी में कांग्रेस डिक्शनरी की एक प्रीति मिली और सेनेटर्स के शॉर्ट बायोग्राफिकल स्केचेस को स्किम करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि उसमें से कई वकील थे और कॉन्क्लूजन निकाला कि उनके लिए सबसे बेस्ट कोर्स लॉ स्कूल जाना है। अमेरिका में ब्लैक और वाइट के बीच हमेशा रेशियल टेंशन रहता था। 19 साल की एज में जो लाइफगार्ड का काम करते थे एक स्विमिंग पूल क्लब में, उस क्लब के आसपास ब्लैक लोग ज़्यादा रहते थे। एक दिन क्लब में बास्केटबॉल गेम चल रहा था जब क्लब के रूल्स के वॉयलेशन करते हुए एक टफ गैंग के मेंबर हाई बोर्ड पर उछल रहे थे। हॉट टेम्पर्ड जो ने उन्हें एस्थर विलियम्स कहा, जो कि एक वाइट स्विमिंग पूल मूवी स्टार थी उस टाइम पर, और उन्हें ग्राउंड से बाहर जाने का ऑर्डर दिया।
ग्राउंड के बाहर एक फाइट की सिचुएशन पैदा हो गई। युवा बिडन ने उसे रोका, फिर एक महिला के नाम से उन्हें बुलाने के लिए माफ़ी मांगी और सिचुएशन को नरम कर दिया, जबकि यह भी बताया कि यदि वो फिर से रूल्स तोड़ते हैं तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। उसी टाइम बिडन ने कहा कि बाद में लाइफगार्ड का एक्सपीरियंस उनके लिए एक ऐसी दुनिया की खिड़की था जिसके बारे में वह बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे या सोचते थे। उन्होंने कहा, दूसरे लाइफगार्ड के साथ मिलना और बात करना मेरे लिए एक रियल एरा था। यही पहली बार था कि जब मुझे अच्छी तरह से पता चला और इन सभी शहरों के लोगों के साथ अच्छे दोस्त बन गए। सभी हिस्टोरिकल रूप से ब्लैक कॉलेज में ब्लैक स्टूडेंट थे। मैं वास्तव में उनके जीवन में थोड़ा खिंच गया। उनके साथ ही एक ही टीम में खेलूंगा और बास्केटबॉल कोर्ट पर सभी 10 प्लेयर्स में एकमात्र वाइट प्लेयर बनूंगा। और मुझे पता चला कि मैं ही इकलौता वाइट पर्सन हूं जिससे वो लोग जानते हैं। इसी तरह से जो ने ब्लैक लोगों के साथ अच्छा रिलेशन बनाया था, वो जानते थे कि लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करना है। छोटी उम्र में वह चुनाव में भाग लेना चाहते थे। वह अभी भी सेनेट में सेवा करना चाहते थे, लेकिन कन्वेंस थे कि उन्हें अभी और अधिक पहचान की ज़रूरत है। इसलिए उन्होंने न्यू कैसल काउंटी काउंसिल के लिए चुनाव लड़ने से पहले लगभग 2 साल तक वहां पर काम किया। मार्च 1972 की सुबह 29 वर्षीय जो ने यूएस कांग्रेस सेनेट में खुद को कैंडिडेट अनाउंस किया। इतनी यंग एज में बहुत से सेनेटर्स ने उनके ऊपर भरोसा नहीं रखा। दोनों साइड की फीलिंग्स को पूरी तरह से समझा जा सकता था, क्योंकि युवा बिडन एक पहाड़ पर चढ़ने के लिए तैयार थे जो पहले राज्य के दिग्गज नेताओं को माउंट एवरेस्ट के रूप में आसानी से जीतने के लिए लग रहे थे। टू टेंचर के सेनेटर केल बॉक्स को चुनौती देने के बाद बिडन ने न केवल सेल्फ कॉन्फिडेंस के मजबूत टेलविंड के साथ बल्कि अपनी यूथ में खेले जाने वाले प्ले के लिए एक स्वभाव के साथ विल्मिंगटन किक ऑफ में उन्होंने 40 मिनट से अधिक समय तक उस तरीके से बात की जो उनका ट्रेडमार्क बन गया। साथ ही छोटे से कॉलिजन के लिए मैग्नेट, बाद में एक छोटे से प्लेन में सवार हो गए और युवा व्यू के साथ को पायलट की सीट पर उसकी गोदी में 2 और प्लेन्स के साथ उड़ान भरी। बिडन अभियान पार्टी ने स्टेट के बारे में एक रिपोर्टर के साथ अफवाह बनाई जिसमें यह प्रचार किया गया कि डेलावेयर को अपनी पॉलिटिक्स में और वॉशिंगटन सेनेट में फ्रेश यंग ब्लड की जरूरत है। केल बॉक्स एक व्यक्ति जिसे कुछ लोगों द्वारा अनबीटन माना जाता था, लेकिन सभी ऑब्स्ट्रक्शंस के खिलाफ बिडन ने उसे हरा दिया। वह उस समय केवल 29 साल के थे और केवल 30 हफ्ते बाद ही कॉन्स्टिट्यूशनल एज तक पहुंच गए। हालांकि ट्रेजेडी ने बिडन पर अटैक किया जब इलेक्शन के अगले ही महीने उनकी पत्नी और उनकी बेटी दोनों एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। उन्होंने अपनी सीनेट सीट छोड़ने के बारे में सोचा, लेकिन माइक मैंसफील्ड ने उन्हें ऐसा ना करने के लिए कन्विंस कर लिया। बिडन ने हॉस्पिटल में अपने बेटे जो कि कार एक्सीडेंट में घायल हो गए थे उनके बिस्तर के साइड में खड़े होकर शपथ ली और यूएस हिस्ट्री के यंगेस्ट सेनेटर में से एक बन गए। बिडन सेनेट में 36 साल की सेवा के लिए जाने जाएंगे। उन्होंने इम्पोर्टेंट ज्यूडिशरी और फॉरेन अफेयर्स कम्युनिटीज में काम किया। सुप्रीम कोर्ट में रॉबर्ट बुक और क्लेरेंस थॉमस के नॉमिनेशन पर बहुत ध्यान दिया गया। बिडन दोनों नॉमिनेशंस के खिलाफ थे और बॉक को रिजेक्ट करने में सफल रहे। उन्होंने वॉयलेंस के अगेंस्ट महिलाओं की सेफ्टी जैसे बाकी टॉपिक्स पे भी काम किया। 1987 में बिडन ने अगले साल के प्रेसिडेंट के लिए दौड़ने का फैसला किया। अनफॉर्चुनेटली उनका अभियान मुश्किल में आ गया जब उन्होंने कोटेशन के साथ भाषण दिया पर क्रेडिट देना भूल गए। उन पर प्लेजरिज्म का आरोप लगाया गया और कुछ ही टाइम बाद उनकी बैठ समाप्त हो गई। उसके बाद वह सेनेट में रहे। बिडन 2000 डेकेड की शुरुआत में प्रपोज्ड इराक वॉर के खिलाफ थे। इसके बावजूद उन्होंने प्रेसिडेंट बुश के इराक के अगेंस्ट यूज करने के प्रस्ताव के पक्ष में वोट करने का फैसला किया। ये वो डिसीजन था जिसके बाद बिडन को बहुत पछतावा हुआ। 2007 में उन्होंने व्हाइट हाउस के लिए एक और बोली शुरू की। इस बार वह पिछली बार की गई गलतियों से बचने के लिए अलर्ट थे।
अगर डिबेट के टाइम उन्हें लंबे समय तक हवा दी जाए तो उन्हें नॉलेजेबल माना जाता था। इसके बावजूद वह बहुत ज़्यादा फेमस कैंडिडेट जैसे बराक ओबामा और हिलरी क्लिंटन से पीछे थे। उन्होंने बेयरली वोट किया। उन्होंने लोवा कॉसस में एक भयानक प्रदर्शन के बाद अपनी बोली छोड़ने का फैसला किया। हालांकि यह क्लियर होने के बाद कि ओबामा ने डेमोक्रेटिक नॉमिनेशन प्राप्त किया है, उन्होंने बिडेन को अपना साथी बनाने के लिए प्रपोजल के साथ अप्रोच किया और बिडेन ने भी उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। एंड में वह कैंपेन में काफ़ी लो प्रोफाइल रहे। उन्हें रिपब्लिकन वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी सारा पैलिन द्वारा ओवरशेडो किया गया था। साथ ही ओबामा अभियान जो से डरता था कि जो के होने से कुछ बुरा हो जाएगा। 2008 का इलेक्शन जीतने के लिए ओबामा बिडेन टिकट चला गया। जनवरी में बिडेन ने वाइस प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। वाइस प्रेसिडेंसी पद के दौरान उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में एक इम्पॉर्टेंट एडवाइज़र के रूप में शामिल होने की मांग की, लेकिन उन्हें एक सुपर पावरफुल वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनाया और काफ़ी मुश्किलों के बाद वो 2020 में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। तो डेट वॉज इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही और वीडियोज़ देखने के लिए।